हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रियंका। तो आज का वीडियो भी कह सकते हो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक, बिकॉज आज मैं आप लोगों के सामने शो करने वाली हूँ क्लीन अप एट 15 रुपीज। 15 रुपए में घर बैठे क्लीन अप करना इट्स नॉट लाइक इजी, क्योंकि 15 रुपीज में आजकल कुछ नहीं होता। इवन एक पर्टिकुलर फेस वॉश छोटा भी लेने जाओ तो भी वो 15-20 रुपए का ऐसे आता है। लेकिन मैं आपको 15 रुपीज में पूरा क्लीन अप दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड शेयर, एंड न्यू तो सब्सक्राइब मस्ट है, आप जानते ही हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो। सो फर्स्टली हम अपने बालों को अच्छे से टाई कर लेंगे, बिकॉज क्लीन अप पे कहीं भी हेयर आपके आने नहीं चाहिए। तो मैं एक अच्छा सा ऐसे रफली बन बना लूंगी और लाइक दिस। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं फेस वॉश, जो कि है मेडिमिक्स का। इट्स रिटेल ओनली 15 रुपीज। तो मैं इसको थोड़ा सा अमाउंट लूंगी अपने हाथों पे। और गाइस, दिस इज अ पैराबेन फ्री, सोप फ्री, इको फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स। एंड मेडिमिक्स के सारे प्रोडक्ट तो आप जानते हो अच्छे तरह से सारे नेचुरल्स होते हैं। और थोड़ा सा वाटर, आप चाहो तो इसकी जगह कोई और भी फेस वॉश यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट ये कोई भी, जैसे ये हम हर्बल ट्राई कर रहे हैं तो आप कोई भी आयुर्वेदिक ले सकते हो। जैसे ये मैंने मेडिमिक्स का लिया है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये आपके पिंपल को क्योर करता है, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन देता है। इसमें 6 एसेंशियल हर्बल्स है जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड फेस वॉश को बहुत जेंटली अपने फेस पर रब करना है, बहुत ज़्यादा हार्श ना हो फेस वॉश आपका। इस चीज़ का आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखें, इसको जेंटली अपने फेस से आपको पूरी इम्प्योरिटी। सो अच्छी तरह से इसको करने के बाद इसे हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। तो मेरा पूरा वेट फेस वेट है, मैंने इसको रब नहीं किया अच्छी तरह। एंड मैं यहाँ ले रही हूँ हिमालया का नीम स्क्रब। ये 2 का पैक है, 20 रुपीज रिटेल करते हैं, बट हमें खाली 1 की जरूरत है। तो मैं इसे अच्छे से कट कर लूंगी। एंड देन मैं इसे अपने हाथों पर थोड़ा सा लूंगी। एंड यू कैन सी दिस इज वेरी जेंटल इन माई फेस। स्क्रब के लिए आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, स्क्रब को बहुत धीरे धीरे अपने फेस पर रब करना। ऐसा ना हो कि आप अपने शेल टिश्यू को बहुत ज़्यादा हार्म कर दे। बहुत धीरे धीरे अप्लाई करना है। ये फेस स्क्रब की स्पेशलिटी है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके स्किन को प्योरीफाई करेगा, आपके किल करेगा प्रॉब्लम जो कॉजिंग बैक्टीरियाज होती है, और अच्छे तरह से एक्सफोलिएट करेगा। इसमें एप्रिकॉट है जो आपके ब्लैक हेड को रिमूव करेगा, डेड स्किन सेल को रिमूव करेगा और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा। आपके स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, क्लियर एंड सपल बनाएगा और बहुत ज़्यादा रिफ्रेश्ड रखेगा। तो इसको एज यूजल अपने नेक पर भी अच्छी तरह से आप अप्लाई कर कर और आप अच्छे तरह से इसको स्क्रबिंग कर सकते हो। इसका की इंग्रेडिएंट भी नीम, एप्रिकॉट एंड टर्मरिक है। तो इसको मैं अच्छे से कोल्ड वाटर से वॉश। एंड थर्ड स्टेप हमारा है मॉइस्चराइजिंग, जो कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, जॉय का प्योर एलोवेरा मल्टी बेनिफिट क्रीम एंड जॉय का फ्रूट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो मैं इसको यूज करी बिकॉज आई लव एलोवेरा। तो इसको मुझे अच्छी तरह से लेना है। इसे भी मैं अपने वेट फेस पर ही लगा रही हूँ, बिकॉज मुझे अभी इसको रिमूव भी करना, बस एक हल्का सा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए ही मैं इसको यूज कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से आप, ये जॉय का जो मैंने लिया, इसकी जगह आप आयुर का भी ले सकते हो, वो भी 10 रुपीज़ के ही अंडर में आता है। तो इससे हमें अच्छी तरह से अपने फेस पर मसाज करना है,
मसाज करने से हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, जैसे हमारा फेस ग्लोइंग एंड रेडिएंट लगता है। तो आप प्रॉपर स्टेप्स आप देखो, जिस तरह से मैंने किया है फुल टू आप उस तरह से करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसको मैंने प्रॉपरली 10 से 15 मिनट आपको मसाज करना है। यहाँ मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, बट आप एकदम प्रॉपर टाइम लें एंड अच्छी तरह से बिल्कुल करें। तो अच्छे से 10 to 15 मिनट मसाज करने के बाद इसको आपको कोल्ड वाटर से वॉश ऑफ करना है। तो मैंने फेस को वॉश करके अच्छे से पैड ड्राई कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ हिमालया हर्बल प्योरीफाई नीम फेस पैक। ये भी पैक ऑफ टू है, ऐसे तो ये 20 रुपीज़ का आता है बट हमें एक की जरूरत होगी, एक से भी कम की ही जरूरत होगी। तो मैं इसको हाफ कट कर लेती हूँ। इट्स 16 ग्राम पैक एंड इसे मैं साइड से कट कर लेती हूँ। और इसे अभी अप्लाई करना है। ये फेस पैक बहुत बढ़िया है, जैसे कि इसका की इंग्रेडिएंट हमें पता है, इसमें है नीम, फुलर्स और दैट इज मुल्तानी मिट्टी एंड टर्मरिक, जिससे कि हमारे फेस पर एक बहुत ज़्यादा नेचुरल ग्लो आएगा। हमारे जो भी फेस के एक्स्ट्रा ऑयल रहेंगे उसको ये एब्जॉर्व करेगा, जो भी क्लॉक पोर्स रहेंगे उसको क्लीन अप करेगा एंड हमें पिम्पल एंड एक्ने से प्रिवेंट करेगा। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं एंड टर्मरिक जो है एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया। तो इसको मैंने अच्छे से अप्लाई करा। अब हमें इसके सूखने का वेट करना है कब तक अच्छी तरह से पूरा ड्राई हो जाएगा एंड अवॉइड योर आई साइड। सो एज यू कैन सी ये पूरे तरह से सूख गया है और इसे हमें हल्का सा स्क्रबिंग करते हुए अपने फेस से ऑफ करना है विथ अ कोल्ड हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर। मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर आपसे। तो एज यू कैन सी ये मेरे फेस को कितना अच्छे से ब्राइटन अप कर दिया है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये हिमालय का फेस पैक एंड हिमालय के प्रोडक्ट्स यूज करने का, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ। तो हम आते हैं फाइनल स्टेप पर जो कि है टोनिंग। यहाँ मैं ले रही हूँ डाबर गुलाबरी रोज वाटर। इट्स कम टू 14 रुपीज, इट्स रिटेल 14 रुपीज एंड 30 ml पैक। तो मैं इसको ओपन करूंगी और एक कॉटन पर थोड़ा सा इसको लूंगी और अच्छे से इसको अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। टोनिंग करना बहुत ज़्यादा मस्ट है हमारे फेस के लिए, बिकॉज टोनिंग करने से जो भी हमारे एक्स्ट्रा रह जाएंगे डर्ट वो रिमूव हो जाएंगे, जो भी हमारा लेफ्ट ओवर रह गया क्लिनजिंग से भी कुछ नहीं रह पाया है। और टोनिंग करने से हमारा पोर्स टाइटन अप रहते हैं एंड एक नेचुरल सा ग्लो आएगा। तो टोनिंग इज़ वेरी नेसेसरी। तो इसे हमें ऐसे 5 मिनट तक छोड़ना है। तो लास्टली हमें मॉइस्चराइजर लगाना है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना है। तो एज यू नो कि मेरे पास दो ऑप्शन है जॉय के, तो इसको मैंने पहले ट्राई किया था तो इस बार मैं इसको ट्राई कर रही हूँ फ्रूट वाले को। एंड इसे बहुत थोड़ा है, ये सील पैकेजिंग, इसको मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया। तो हमें थोड़ा सा अमाउंट लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा लेना है। उसको अच्छी तरह अपने फेस पर अप्लाई करना है। हल्के हाथों से और अच्छी तरह से इसको आप अपने फेस पर अप्लाई करो तो और अपलिफ्ट ये करो स्टेप्स अपने पूरा फेस। हो गया क्लीन अप अंडर 15 रुपीज। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना एंड आप न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन हिट कर सकते हो कि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। तो मैं प्रियंका मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।